तो और बताओ यार कैसे हो। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत सारी नए स्मार्ट वॉचेस आजकल लॉन्च हो रही हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्राइस पे लॉन्च हो रही हैं। काफी अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जा रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए यार कुछ ना कुछ कमी होती ही है हर स्मार्ट वॉच में या हर प्रोडक्ट में। मैं कह सकता हूँ कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ एक नए स्मार्ट वॉच के बारे में जो कि 1 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, जो आता है बोट की तरफ से, बोट एक्सटेंड। जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छा प्राइस पे आ रहा है, 3000 रुपए ये लॉन्च ऑफर में आ रहा है। उसके बाद 3500 से 3800 के अप्रॉक्स हो जाएगा इसका प्राइस। लेकिन 3000 रुपए में भी क्या आपको ये स्मार्ट वॉच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यार लॉन्च ऑफर का हर कोई इंतजार कर रहा है और सेल का इंतजार कर रहा है। तो आपको क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे जहां पे आपको बताया है कि ये स्पेसिफिकेशन है, ये चीजें हैं और 3000 रुपए में काफी अच्छा है। सही बात बताइए, कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी जो अभी तक किसी ने नहीं बताई, जहाँ पे यहाँ पे बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कमियां हैं जो हो सकता है आपके लिए जरूरत की हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और वो चीज इसमें मिसिंग हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिस हैं जो मुझे भी पर्सनली चाहिए थी और इसमें नहीं है। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिए, तुरंत वापस आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके एक स्पेसिफिकेशन से कि क्या क्या आपको इसमें मिलता है, 3000 रुपए की प्राइस को ये जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, और 3500 रुपए की प्राइस को भी जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, क्योंकि आगे चल के ये 3500 रुपए का इसका प्राइस हो जाएगा, 3000 तो लॉन्च ऑफर में मिल रहा है। तो क्या आपको 3500 में भी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, 3000 में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले आपको ये बता देता हूँ, प्लीज़ यहाँ पे है जो इंडियन ब्रांड और चाइनीज ब्रांड का कुछ भी झाम मत पालना, इन सबसे मुझे मतलब ही नहीं है। मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहा हूँ, जो स्पेसिफिकेशंस है उसको देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कुछ अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को देख रहा हूँ, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को देख रहा हूँ, ब्रांड को नहीं देख रहा हूँ कि कहाँ का ब्रांड है। तो मैं एक प्रोडक्ट के बारे में ही यहाँ पे बात करूंगा, एज अ टेक्निकल यूट्यूबर कह लो या एक टेक्निकल चैनल पे जो होना चाहिए वही होगा। तो चलिए बताते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहला जो हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन है वो तो यही है कि भाई यहाँ पे आपको बिल्ट इन एलेक्सा मिलता है, यानी कि एलेक्सा का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसमें भी कुछ कमी हो सकती है जो मैं आपको भी बताऊंगा बाद में, तो इसको ध्यान रखिएगा कि एलेक्सा कैसे वर्क करेगा वो सारी आपको बातें पता चल जाएंगी। तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपको एलेक्सा मिल जाता है, जो कि सबसे अच्छी चीज है, 3000 रुपए की प्राइस पॉइंट में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको 1.69 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी डिस्प्ले है, यानी कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि अब तक की सबसे बड़ी डिस्प्ले है, यही है, इससे पहले भी 1.69 इंच की ही डिस्प्ले में ये स्मार्ट वॉच आती है जिसका मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया। इसको मैं यूज कर रहा हूं काफी दिन से, इसका भी है जो रिव्यू आएगा, फुल टेस्ट कर रहा हूं मैं इसको, तो अगले संडे को आपको इसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए स्टे ट्यून रहिए, कौन सा स्मार्ट वॉच है आपको बताऊंगा। और प्राइस इसका मैं बता देता हूं कि ये 3800-3700 ऐसे समथिंग मिल जाती है। तो इसके कौन से ब्रांड है सब कुछ आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा, तो इसके लिए तो आप इंतजार करिएगा। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूं बोट एक्सटेंड की, तो यहां पे भी 1.69 इंच की है और इस स्मार्ट वॉच में भी 1.6 इंच की है, 1.69 इंच की डिस्प्ले है। तो यार अभी तक की जितने भी स्मार्ट वॉचेस हैं 1.69 इंच इज द बिगर डिस्प्ले, इससे बड़ा डिस्प्ले कोई आया ही नहीं है अभी तक फिलहाल। तो अब बात आती है कि भाई डिस्प्ले अच्छा हो गया, बिल्ट इन एलेक्सा मिल जाता है आपको यहाँ पे। तीसरी चीज यहाँ पे आती है, आपको 50 प्लस वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी डिसेंट है। आगे चल के अपग्रेड करते रहेंगे तो और भी ज्यादा वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 50 प्लस भी क्वाइट डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो ब्राइटनेस का फीचर, जो कि जनरली इस प्राइस पॉइंट पे आपको किसी भी स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलता। तो ये सबसे अच्छा चीज है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बैटरी काफी ज्यादा कंज्यूम होने से बचेगी। बाहर जाओगे तो डे लाइट वगैरह में जाओगे तो ऑटो ब्राइटनेस है तो अपने आप डिक्रीज और इंक्रीज होता रहेगा, जो कि काफी अच्छी चीज है और बैटरी कंजम्पशन को भी बचाएगा। पांचवा पॉइंट, आपको यहाँ पे हर तरह के बेसिकली हेल्थ मॉनिटर मिल जाते हैं, जो कि बेसिक नीड होती है। एसपी ऑटो का यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, हार्ट रेटिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, स्लीप मॉनिटरिंग भी आपको देखने को मिल जाती है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो यार ये सारी चीजें आपको इसमें मिल रही है, भर भर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्स पॉइंट, यहाँ पे आपको 14 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, जो कि बेसिकली आपको सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी कर देंगे, बैडमिंटन वॉलीबॉल सब कुछ है आपको यहाँ पे, वर्कआउट वगैरह का भी है जो कि हर कोई करता ही है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट जो है आपको मिल जाती है स्पोर्ट्स मोड में भी। सेवंथ पॉइंट, यहाँ पे आपको 300 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि काफी बिग बैटरी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो बैटरी लाइफ मिल रही है वो 7 दिन की मिल रही है, हैवी यूज करने पे आपको 4 से 5 दिन मिल जाएगी ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 दिन और कम करके चलो, यानी कि 3 से 4 दिन आपको हैवी यूज पे मिलेगी।
तो अब ये देखना होगा कि ये रियल लाइफ में कैसे परफॉर्म करती है। लेकिन हाँ, जितना भी दिन ये क्लेम करते हैं उससे 3 दिन कम ही करके माना करो, क्योंकि आपके यूजर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके मैसेज आते रहते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज आते रहते हैं, कॉल आते रहते हैं, तो उस तरह पे वाइब्रेशन का भी इशू आता है कि वाइब्रेशन किस मोड पे, यानी कितना स्पीडली वाइब्रेट कर रहा है, कितना तेज वाइब्रेशन है, तो यहाँ पे वाइब्रेशन कंट्रोल है कि नहीं वो भी आपको मैं बताऊंगा जल्दी। तो चलिए, ये सारे तो स्पेसिफिकेशन थे। यहाँ पे आपको 4 कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि है पिच ब्लैक, डीप ब्लू और सैंडी क्रीम एंड ऑलिव ग्रीन। ये 4 कलर मिलते हैं। तो अभी इस कलर के ऊपर भी कुछ बातें करेंगे हम। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस थी जो आपको इस स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाती हैं। और अब हम बात करेंगे भाई कॉन्स के ऊपर। यहाँ पे कुछ कमियां हैं जो इसके बारे में बात करूंगा कि क्या क्या इस स्मार्ट वॉच में कमी है, तो क्या आपको इस स्मार्ट वॉच को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इस कमियों को आप एडजस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप इन कमियों को एडजस्ट कर सकते हो, इनसे आपको मतलब नहीं है, तब आप इस स्मार्ट वॉच को ले सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इसकी कमियों की, क्या कमी है इसमें, अब आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहली कमी जो मुझे लगता है, यहां पे मेंशन नहीं है तो, लेकिन मुझे आइडिया लग रहा है, यहां पे आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि भाई यहां पे एलेक्सा, जो बिल्ट इन एलेक्सा आपको मिल रही है, वो किस तरह से काम करती है। लाइक ये स्मार्ट वॉच है, अगर इसमें एलेक्सा है तो मैं जस्ट बोलूं एलेक्सा और मैं अपना कमांड दूं तो ये परफॉर्म करना चाहिए, ये उस चीज को करे, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्मार्ट वॉच का लाइट ऑन करके यहाँ पे आपको जाना पड़े स्लाइड करके, फिर वहां पे आपको टैप करना पड़े एलेक्सा पे, उसके बाद आपको बोलना पड़े, उसे कमांड देना पड़े, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है कि यार भाई आपको जो स्मार्ट वॉच चलानी पड़ गई तो फायदा क्या। नॉर्मल एलेक्सा के जो डिवाइसेस होते हैं वहां पे आपको है जो टैप नहीं करना पड़ता है, उसको ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपली आप उसे एलेक्सा बोलते हो, वो आपको सुनती है और आप फिर जो कमांड देते हो, जो भी कहते हो वो करती है। तो ये चीज का इशू है, क्योंकि अभी तक की कुछ स्मार्ट वॉचेस जो थी, जो मैंने देखी है, जहां पे जो एलेक्सा और वॉइस असिस्टेंट का कंट्रोल था, वहां पे आपको टैप करना पड़ता है, उसके बाद आपको कमांड देनी पड़ती। तो अगर ये चीज है तो यार ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता है, डायरेक्ट होना चाहिए एलेक्सा का, अगर आप दे रहे हो फीचर तो डायरेक्ट मैं जो बोलूं एलेक्सा, उसके बाद जो भी मैं कमांड दूं वो उसे करे, बेसिकली ये होना चाहिए। तो ये चीज थोड़ा सा मुझे फ्लॉ लगता है यहाँ पे। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में, कि आप किससे कंफर्टेबल हो या नहीं हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये एलेक्सा आपके लिए यूजफुल कितना है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो यहाँ पे जो वॉच मिलती है वो थोड़ी सी बल्कि है, थोड़ी सी मोटी है, तो यहाँ पे जो स्लीक डिजाइन आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, इन्होंने मेंशन नहीं किया कहीं पे भी कि ये मेटेलिक फ्रेम में आती है, एल्यूमिनियम अलॉय वगैरह इसमें लगाए कि नहीं लगाए, कुछ मेंशन नहीं किया। तो मे भी हो सकता है पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक में बिल्ड में हो। हालांकि अभी इससे पहले भी जो स्मार्ट वॉचेस आई है बोट की, वहां पे मेटेलिक फ्रेम था, जैसे ये बोट स्टॉर्म वगैरह थी तो वहां पे आपको मेटल फ्रेम मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो कुछ मेंशन नहीं किया कि मेटेलिक है या नहीं है, तो ये चीज का एक इशू रहेगा। अगर प्लास्टिक है तो यार थोड़ा सा प्रीमियम कम लगेगा, अगर प्लास्टिक नहीं होती, मेटल होता तो काफी अच्छा होता। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, जो कि मुझे लगता है कि मेंशन करना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं किया तो मे भी जहां तक है कि नहीं होगा। तीसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली नहीं सही लगा ये, यहां पे आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा इसके बैक साइड वगैरह में कि इसके स्ट्रैप चेंज हो सकते हैं। जनरली स्ट्रैप यहां से चेंज हो जाते हैं, यहां पे आपको एक हुक सा होता है इस स्मार्ट वॉचेज में, हर वॉचेज में जिसमें भी चेंज होते हैं स्ट्रैप, तो वहां पे हुक होता है, उसको आप हटाकर स्ट्रैप चेंज कर सकते हो, इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे इस बोट की जो अदर स्मार्ट वॉचेज है वहां पे भी आप उसके बैक साइड देखोगे तो वहां पे साफ साफ दिख रहा है फोटोज में कि हाँ यहाँ पे जो स्ट्रैप चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोट एक्सटेंड में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि अगर आपने कोई स्मार्ट वॉच खरीद ली किसी कलर की, फिर वो हमेशा उसी कलर की रहेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, आप जब भी इसे खरीदने जाओ तो ये ध्यान देना कि स्ट्रैप चेंजेबल होगा या नहीं होगा। लॉन्च में हो सकता है कि और भी कुछ नई स्पेसिफिकेशन रिवील हो जाए, फिलहाल तो नहीं रिवील है, तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि बैक साइड में कहीं भी पिक्स में नहीं दिख रहा है कि भाई यहाँ से ये रिमूव हो सकता है स्ट्रैप। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रैप चेंज करना तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रैप चेंज नहीं होगा। चौथा पॉइंट, यहाँ पे कितने निट्स की ब्राइटनेस है ये भी मेंशन नहीं किया गया है। तो हो सकता है डे लाइट में जहां पे अगर सूरज एकदम सर पे हो और आपको जो देखना हो, तो मे भी हो सकता है ब्राइटनेस आपको कम पड़ जाए, हो सकता है, ये मेरा अजम्पशन है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि कितनी ब्राइटनेस यहाँ पे एक्चुअली में है। तो ये एक थोड़ी सी कमी है, इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पांचवा पॉइंट जहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे जितने भी कलर और डिजाइन वगैरह दिए वो थोड़े से प्रोफेशनल नहीं लगते हैं, थोड़े से फंकी कलर वगैरह दिए हुए हैं। लाइक जैसे रेड के साथ ब्लू दिया है, थोड़ा फंकी लगता है, ब्लैक के साथ थोड़ा गोल्डन सा जो टेक्सचर दिया गया है उसमें, जो थोड़ा सा ठीक तो है लेकिन थोड़ा सा मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता, थोड़ा सा शाइनिंग शाइनिंग सा लगेगा। हाँ, एक
प्योर ब्लैक अगर स्मार्ट वॉच दे देते तो काफी ज्यादा अच्छा होता। आपका क्या कहना है इसके बारे में, एक प्योर ब्लैक स्मार्ट वॉच होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये एक थोड़ी सी मेरे को कमी लगी है, हो सकता है आपको कलर पसंद आए, तो कलर पसंद आए तो आप जरूर इसको परचेस कर सकते हो। सिक्स पॉइंट, यहाँ पे आपको कहीं पे भी वाइब्रेशन कंट्रोल का फीचर देखने को नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहीं नहीं बताया कि वाइब्रेशन कंट्रोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जनरली होता क्या है, लाइक ये स्मार्ट वॉच है, अगर इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, हो सकता है वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है तो आपको इरिटेट कर सकता है, बार बार वाइब्रेट हो रहा हो, ज्यादा तेज वाइब्रेट हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना होना चाहिए कि कम ज्यादा आप कर सको। तो ये चीज होनी चाहिए जो कि नॉर्मली ज्यादातर वॉचेस में होता है कि वाइब्रेशन आप कंट्रोल कर सको, तो वो चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो होपफुली अगर इन्होंने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये एक मिसिंग पॉइंट है, आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आप वाइब्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सेवंथ पॉइंट, यहाँ पे आपको कॉल रिजेक्शन अटेंड का जो फीचर होता है, यानी कि कॉल आती है तो आप उसे अटेंड करोगे, रिजेक्ट करोगे या म्यूट करोगे, ये जो तीन ऑप्शन होते हैं इनमें से कोई दो ही ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि आप क्या कर सकते हो। और जनरली होता क्या है मैं आपको बता दूं, अगर आपके स्मार्ट वॉच में कॉलिंग का फीचर है तो कॉल अटेंड का ऑप्शन देना मेरे को लगता है कि हाँ सही है, अगर नहीं है तो कॉल अटेंड का ऑप्शन कोई फायदे का नहीं है, क्योंकि अगर आपका स्मार्टफोन थोड़ी दूर रखा हुआ है और कॉल आती है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो या तो अटेंड कर सकते हो। अटेंड करने पे आपको क्या फायदा होगा, जनरली आप ही बताओ, अगर आपने ब्लूटूथ वगैरह लगा रखा है तो आप तो उससे भी अटेंड कर लोगे, कोई नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आपको फोन अटेंड करना है, फोन आपका दूर है और स्मार्ट वॉच पे आ रहा है तो आपका रिंग कर रहा है स्मार्ट वॉच, आप उसे म्यूट करना चाहते हो तो वो म्यूट का ऑप्शन नहीं होगा, अटेंड का है और रिजेक्ट का है, यानी कि आप कैंसिल कट कर दो फोन को, तो ये चीज थोड़ी सी देखनी होगी, यहाँ पे कुछ नहीं बताया है। अगर यहाँ पे म्यूट और रिजेक्शन का ऑप्शन देंगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि म्यूट से क्या होता है, आपका फोन आपका ये स्मार्ट वॉच है वाइब्रेट कर रहा होगा, आप उसे म्यूट करोगे तो आपकी फोन की रिंग भी है जो म्यूट हो जाएगी, यानी कि आपका फोन भी साइलेंट हो जाएगा, बजेगा नहीं। तो कॉल अटेंड का और रिजेक्ट का फीचर मेरे को एक साथ जो देते हैं, कॉल अटेंड वाला स्पेशली, वो मेरे को समझ नहीं आता क्यों देते हैं अगर उसमें कॉलिंग फीचर नहीं है तो फिलहाल ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कॉल अटेंड का क्या है, कॉल रिजेक्ट का क्या है, ये सब कुछ नहीं बताया हुआ है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यार यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल का फीचर देखने को नहीं मिलता है, जो कि 3000 के हिसाब से भी देखा जाए तो कैमरा कंट्रोल तो मिल जाता है। ऑब्वियस ही बात है, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ फीचर्स को ऐड करते हैं प्रोडक्ट में तो कुछ रिमूव कर देते हैं, तो 3000 रुपए की प्राइस में कैमरा कंट्रोल तो जनरली आपको स्मार्ट वॉचेस में देखने को मिल जाता है, लेकिन बिल्ट इन एलेक्सा दे दिया तो अब कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन गायब कर दिया तो कुछ चीजें कम करी कुछ चीजें ज्यादा की, ये चीजें होती हैं, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपको समझना होगा। अगर आपके लिए कैमरा इंपॉर्टेंट था, कैमरा कंट्रोल होना चाहिए था, क्योंकि भाई अगर आपने फोन सामने रख दिया, आपके पास ट्राइपॉड वगैरह कुछ नहीं है और आप उसे क्लिक करना चाहते हो अपने स्मार्ट वॉच के जरिए तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन थे जो इसमें नहीं है, और जो स्पेसिफिकेशन थे वो तो मैंने आपको बताई थी, तो जो कमी थी जो आपको मैंने बता दी है, अगर आपको लगता है कि ये जो कमियां हैं ये आपके लिए जरूरी हैं, होना चाहिए, लाइक स्ट्रैप चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए था, वाइब्रेशन कंट्रोल करने का ऑप्शन होना चाहिए था, कलर में थोड़ा सा जो और अच्छे कलर होते या तो प्योर ब्लैक वगैरह हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, कैमरा कंट्रोल वगैरह होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो यार आप इसमें मत इन्वेस्ट करना पैसा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें नहीं मिल रही हैं। और भी स्पेसिफिकेशन अगर रिवील होती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो भाई यही स्पेसिफिकेशन है जो मैंने आपको बता दी है, तो वो चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप स्मार्ट वॉच को खरीदोगे तो आपको डिसअपॉइंटेड फील नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए किसी भी तरह से यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, और आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।